नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के जितने भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट की जो परीक्षा डेट है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों, आपको यहाँ पर नोटिस देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को नोटिस दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपकी परीक्षा तिथि में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अभी तक आपने अपना जो है नया टाइम टेबल नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए, आपको लाइव यहां पर नोटिस दिखाने वाले हैं। दोस्तों, परीक्षा तिथि में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, परीक्षा आगे के लिए टाल दी गई है। तो दोस्तों, किस तारीख की कौन सी परीक्षा होगी दोस्तों, वो इस वीडियो में आप लोगों को नोटिस के जरिए सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इस समय प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। दोस्तों, यहीं से आप लोगों को जानकारी बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आज ही यहाँ पर नया जो है टाइम टेबल आया है, देख सकते हैं, और आपके सामने यहाँ पर लाइव डाउनलोड करके दिखा रहे हैं। पहला जो नोटिस था दोस्तों, यहाँ पर 887 KB का था, लेकिन यहाँ पर लगभग एक MB के लगभग यहाँ पर जो है नया टाइम टेबल जारी किया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, 15 मई को ये टाइम टेबल नया जारी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, विश्वविद्यालय सत्र 2022-23 की सम सेमेस्टर परीक्षा BEd एवं विधि को छोड़कर दिनांक 23/5/2023 को दूसरी पाली में 8 से 10 और यहाँ पर 1 से 3 बजे के बीच प्रारंभ कराई जानी है। परीक्षाओं से संबंधित यहाँ पर समय सारणी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो 16 तारीख को कुछ कॉलेजों की तरफ से जो है आपत्ति दर्ज किया गया, इसकी वजह से यहाँ पर दोस्तों 17 तारीख को जो है इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। 15-16 को यह बैठक में यहाँ पर टाइम टेबल में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से आप अपना जो है टाइम टेबल देख लेंगे। दोस्तों, परीक्षा जो है तिथि में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, फिर से टाइम टेबल यहाँ पर एक नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आपकी हो सकता है पहले जो टाइम टेबल जारी किया गया था उसमें कुछ तिथि हो और इसमें कुछ तिथि हो, तो सभी विद्यार्थी जो है अपना एक बार फिर से अपना टाइम टेबल देख लेंगे। और दोस्तों जो है एडमिट कार्ड और आपका सेंटर आपके महाविद्यालय से प्राप्त हो जाएगा, जो यहाँ पर इस नोटिस में बताया भी गया है। आपका जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं, प्रवेश पत्र 17 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आज यहाँ पर 17 है, आज से यहाँ पर मिलना जो है एडमिट कार्ड स्टार्ट हो गया है। जितने भी इवन सेमेस्टर सम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, आज से इनका एडमिट कार्ड मिलना आपके महाविद्यालय से शुरू हो गया है, तो जाके वहाँ से अपना प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पर ये तो रहा सेमेस्टर वाइज विद्यार्थियों का जो है टाइम टेबल में बड़ा बदलाव। अब आप लोगों को जितने भी वार्षिक परीक्षा इस समय दे रहे हैं उनकी परीक्षा जो है दोस्तों आगे के लिए टाल दी गई हैं, उसका भी नोटिस आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 मई को ये नोटिस जारी किया गया था वार्षिक परीक्षा के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो 7 मई की परीक्षा थी उसे यहाँ पर JEE UG नेट की जो परीक्षा थी उसे यहाँ पर इसी के कारण यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था। बहुत सारे विद्यार्थियों का UG नेट का प्रवेश परीक्षा था, इस कारणवश यहाँ पर ये 7 मई की परीक्षा यहाँ पर 27 मई से कराई जानी है। दोस्तों, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थियों की परीक्षा छूट जाएगी, जितने भी वार्षिक परीक्षा इस समय दे रहे हैं विद्यार्थी। तो जो 7 की परीक्षा थी वो अब यहाँ पर 27 तारीख की ये परीक्षा कराई जाएगी। तो ये रहा जो तिथि में बड़ा बदलाव, जो आपको आप तक यह जानकारी पहुँचाने का कोशिश किया। आशा करता हूँ आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।